ओम शांति। आज आपका 127वें दिन का ईश्वरीय वरदान और आज के वरदान में परमपिता परमात्मा हमें निष्काम सेवा कि किसी कामना के बिना कैसे सेवा करें, चाहे वो हम अपने घर वालों की करें, चाहे माता पिता की करें, चाहे माता पिता बच्चों की करें, चाहे हम समाज की करें सेवा, चाहे पूरे विश्व की सेवा करें, लेकिन उसमें से हमें अगर कुछ चाहिए वापस तो परमात्मा की नज़र में हम सेवाधारी नहीं बनते। तो देखें आज परमपिता परमात्मा हमें कैसे समझाते हैं कि निष्काम सेवा होती क्या है। तो आज के वरदान में बाबा कहते हैं, निष्काम सेवा द्वारा बिना किसी कामना के, उसको कहते हैं निष्काम सेवा द्वारा विश्व का राज्य प्राप्त करने वाले। विश्व का राज्य कैसे प्राप्त होगा? राजा रानी की प्रजा भी होती है। अगर प्रजा सारी की सारी दुखी हो इस कलयुग में आकर के, इस चक्र में आकर के, तो उस प्रजा को फिर से सुखी बनाना राजा रानी का काम होता है। इसलिए परमात्मा करके हमें अपने पिछले जन्मों का याद दिलाते हैं कि तुम राजा रानी हुआ करते थे सतयुग में, गोल्डन एज में, बहिष्त में, स्वर्ग में, हेवन में, जिस पे धरती पे था वो स्वर्ग। तो तुम राजा रानी थे, तुम्हारे साथ तुम्हारी प्रजा थी, लेकिन तुम पाप की नगरी में घुसे, तुम्हारी प्रजा भी पाप करना शुरू कर दी और तुम द्वापर युग से कलयुग तक आते आते पाप करते करते तुम भी दुखी और तुम्हारी सारी प्रजा भी दुखी। तो जागो राजा जागो, तुम प्रजा को भी जगाओ, पहले खुद जागो, पहले खुद को परिवर्तन करो, तभी तो औरों को परिवर्तन कर पाओगे। तो परमात्मा कहते हैं, निष्काम सेवा द्वारा विश्व का राज्य प्राप्त करने वाले विश्व कल्याणी रहम धिल भव। रहम होना बहुत जरूरी इस चीज के लिए। सिर्फ मेरा हो जाए, मुझे सब कुछ मिल जाए, मुझे नाम मान शान मिल जाए, मुझे धन की प्राप्ति मिले, मुझे सर्टिफिकेट मिले, ये नहीं। परमात्मा कहते हैं ये निष्काम सेवाधारी नहीं, ये रहम दिल की भावना वाला सेवाधारी नहीं है। तो देखें विस्तार में, जो निष्काम सेवाधारी हैं उन्हें कभी ये संकल्प नहीं आ सकता कि मैंने इतना किया। हम कहते हैं ना, मैंने इस व्यक्ति के लिए इतना किया, इस फैमिली मेंबर के लिए मैंने इतना किया, इसके लिए इतना किया, तब भी ये मुझे कुछ अच्छे से बात नहीं करता, तब भी मुझे ये वाहवा नहीं करता, तब भी ये मुझे रिस्पेक्ट नहीं देती या देता। तो परमात्मा कहते हैं वो सेवा ही नहीं हुई सच्ची सेवा, क्योंकि तुमने तो कामना रख करके सेवा करी, चाहे वो फैमिली मेंबर्स की सेवा करी हो, बच्चे पिता माता की सेवा करें, चाहे माता पिता बच्चों की सेवा करें किसी प्रकार की करें, चाहे साथी संबंधियों की करें। तो परमात्मा कहते हैं वो साथी संबंधियों की भी सेवा करते हुए कुछ इच्छा रखी तो वो निष्काम सेवा नहीं, परमात्मा की नज़र में वो सेवा ही नहीं। तो फिर बाबा कहते हैं कि उन्हें कभी ये संकल्प नहीं आ सकता, जो निष्काम सेवाधारी है उन्हें कभी ये संकल्प नहीं आ सकता कि मैंने इतना किया, मुझे इससे कुछ शान मान व महिमा मिलनी चाहिए। मेरा क्या होना चाहिए टूमस्टोन के ऊपर, पत्थर के ऊपर मेरा नाम आना चाहिए कि मैंने क्या किया, मैंने ये दान किया, मैंने ये लैंड दान किया, मैंने ये घर दान किया, तो मेरा नाम आना चाहिए, मुझे यहाँ पे रहने का मौका मिलना चाहिए, मेरा कौन सा कमरा होगा, मुझे कितना मिलेगा, मुझे खाना फ्री क्यों नहीं देते हैं ये लोग, मैं तो इतना दान पुण्य किया, मुझे नाम मान शान क्यों नहीं मिलता, मुझे बुलाते क्यों नहीं स्टेज के ऊपर कि भैया ये मैंने प्रॉपर्टी दान करी थी या मैंने ये सेवा में दिया था धन। परमात्मा कहते हैं ये सेवा ही नहीं हुई, आप तो परमात्मा की नज़र में भी गिर गए और अपनी नज़र में भी गिर गए। फिर बाबा कहते हैं, दाता के बच्चे अगर लेने का संकल्प भी करते हैं, परमात्मा तो दाता है ना, तो हम दाता के बच्चे क्या हो गए, हम भी मास्टर दाता हो गए, लेकिन परमात्मा के बच्चे अगर लेने का संकल्प भी करते हैं तो दाता नहीं हुए। परमात्मा को तो ना भूख लगती है, ना प्यास लगती, ना कपड़े चाहिए, ना शरीर चाहिए, ना छत चाहिए, ना धन दौलत चाहिए, ना सर्टिफिकेशंस चाहिए, परमात्मा को तो पानी भी नहीं चाहिए। परमात्मा कहते हैं लेकिन फिर भी मैं इस धरती में आता हूँ, मैं ब्रह्मा के तन में प्रवेश करता हूँ, एटम के तन में प्रवेश करता हूँ, जो कि बिल्कुल पतित बन चुका है, पापी बन चुका है, और आकर के तुम बच्चों को, ब्रह्मा के बच्चे, ब्राह्मणों को जगाता हूँ, सच्चे ब्राह्मण, कि तुम भी ब्रह्मा के अनुसार चलो, पवित्र बनो और औरों को भी रास्ता दिखाओ। तो मुझे तो कुछ चाहिए नहीं होता, मैं तो एक सेकेंड के लिए आता हूँ, तुम्हें ज्ञान देता हूँ, फिर चले आता हूँ, फिर अगले दिन आता हूँ अपनी मनमर्जी से, धरती में आता हूँ, प्रवेश करता हूँ तन में ब्रह्मा के, तुम्हें ये सत बुद्धि ज्ञान देता हूँ गुरु बन करके, शिक्षा पढ़ा करके, और फिर चले जाता हूँ परंधाम। मैं तो आता जाता रहता हूँ, मैं किसी बंधन में फंसा नहीं हूँ, लेकिन तुमको सारी आत्मा को बंधन से मुक्त करने का ये ज्ञान देना है जो मैं तुम्हें देता हूँ आकर के, ताकि वो सारी आत्माएं मुक्ति में जा पाएं, क्योंकि कल का वरदान भी वही था कि सारी आत्माएं तड़प रही हैं मुक्ति में जाने के लिए, तो उनको ये सतगति का ज्ञान देना जरूरी है। फिर बाबा कहते हैं अगर इसमें तुम अगर इच्छा रखो तो ये
ज्ञान देना नहीं हुआ, तुम्हें नाम मान शान चाहिए, तुम्हें चाहिए कि बहुत लोग तुम्हारी वाह वाह करें, तो वो ज्ञान सत्य ज्ञान नहीं हुआ, उसमें मिलावट हो गई। फिर परमात्मा कहते हैं, दाता के बच्चे अगर लेने का संकल्प भी करते हैं तो दाता नहीं हुए, यह लेना भी देने वाले के आगे शोभता नहीं, यह लेना भी देने वाले के आगे शोभता नहीं, उसकी वैल्यू गिर जाती है, उसकी रिस्पेक्ट नहीं होती है। फिर परमात्मा कहते हैं, जब यह संकल्प समाप्त हो तब विश्व महाराजन का स्टेटस प्राप्त हो। जब आप ये छोड़ दें, कच्चा फल खाना छोड़ दें, एक पेड़ के ऊपर आप देख रहे हैं कि आम उग रहा है, लेकिन आप चाहते हैं कि अभी के अभी मुझे मिले, मैंने बीज डाला मुझे अभी चाहिए, आप वेट करने के लिए तैयार नहीं कि वो पूरा पक जाए तो मैं उसको निकालूं, तो परमात्मा कैसे बहते, वैसे ही आप बच्चे भी अगर वो कच्चा फल खाना चाहते हो कि मैंने अभी सेवा करी अभी मेरे को नाम मान शान मिले, मेरी तरफ तो कोई देखे लोग, मेरा नाम तो लें जरा कि मैंने इतना किया, इतना धन दान किया, इतना मैंने अपना सेवा करी, परमात्मा कहते हैं वो फिर पक्का फल नहीं मिलेगा, कच्चा फल मिलेगा, और कच्चा फल खा लिया तो वो पता है आपको कैसा होता है, और फिर वो अगले जन्मों तक नहीं जाएगा, सिर्फ इस जन्म में खा लिया, थोड़ा बहुत नाम मानशान मिल गया, लोग ऊपर ऊपर का नाम मानशान दे देंगे, झूठी नाम मानशान दे देंगे, और फिर आप वैसे के वैसे असंतुष्ट हो जाओगे। तो परमात्मा कहते हैं वो फल को पकने दो अगले जन्मों के लिए। फिर बाबा कहते हैं, ऐसा निष्काम सेवाधारी बेहद का वैरागी मतलब अनलिमिटेड, किसकी कोई हद ना हो, उसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, ना धन की, ना दौलत की, ना ना मान शान की, ना स्टेज पे आने की, ना किसी के सामने उसकी कोई स्तुति करे, किसी चीज़ की उसको ज़रूरत नहीं है, ना उसका नाम आए, ना शान मिले उसको, किसी चीज़ की बेहद का वैराग्य है उसको, वैराग्य बिल्कुल डिटैचमेंट है उसको, सेवा करते हुए भी विश्व कल्याणी रहम दिल बनता है। ऐसी आत्मा ही विश्व का कल्याण कर पाती है, क्योंकि वो रहम दिल होती है, रहम दिल को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, आप सेवा करते हो, तो आप रहम दिल नहीं हो, क्योंकि आप लेवता बन गए, देवता की जगह लेने वाले ना कि देने वाले। तो सोचिए कि इस वरदान के बारे में गहराई से, और आज का ये ईश्वरीय वरदान, आपका दिन सुखी हो, आप स्वस्थ रहें। ओम शांति।